नमस्कार साथियों, आपके YouTube चैनल स्टेनो ज्ञान पॉइंट पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आपके लिए लेकर आए 85 शब्द प्रति मिनट की कोर्ट संबंधित लीगल डिक्टेशन। दोस्तों, डिक्टेशन की PDF अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को आप फॉलो करके वहाँ से PDF प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, ऐसी ही डिक्टेशन आपको राजस्थान हाई कोर्ट में देखने को मिलेंगी। लगभग ऐसी ही डिक्टेशन राजस्थान हाई कोर्ट पुटअप करता है। दोस्तों, डिक्टेशन स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर कर लें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले डिक्टेशन से संबंधित नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो चलो दोस्तों, डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं। यस स्टार्ट। सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना महामारी की वजह से कर्ज की अदायगी में छूट की अवधि के लिए ब्याज पर लेवी की मांग को चुनौती देने वाली याचिका पर मंगलवार को केंद्र और भारतीय रिजर्व बैंक से जवाब मांगा। विराम। COVID-19 की वजह से कर्ज की अदायगी में छूट की अवधि को अब 31 अगस्त तक बढ़ा दिया गया है। विराम। न्यायमूर्ति अशोक भूषण, न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति MR शाह के पीठ ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए इस मामले की सुनवाई के दौरान केंद्र और RBI को नोटिस जारी किए और उन्हें एक सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। विराम। पैरा। याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील ने पीठ को सूचित किया कि सरकार ने पहली बार ऋण अदायगी में 3 महीने की छूट दी थी जो 31 मई तक थी। विराम। इस अवधि को अब 3 महीने के लिए और बढ़ा दिया गया है। विराम। उन्होंने कहा कि बैंकों से कर्ज लेने वालों को इस तरह से दंडित नहीं किया जाना चाहिए और इस अवधि के लिए बैंकों को कर्ज की राशि पर ब्याज नहीं जोड़ना चाहिए। विराम। पैरा। पीठ ने अपने आदेश में कहा, रिजर्व बैंक के वकील ने जवाब देने के लिए एक सप्ताह का समय देने का अनुरोध किया जो उन्हें दिया गया। विराम। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता भी इस बीच आवश्यक निर्देश प्राप्त करेंगे। विराम। यह मामला अब अगले सप्ताह सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है। विराम। कोरोना महामारी के मद्देनज़र देशव्यापी पूर्णबंदी के अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल असर पर अंकुश के इरादे से रिजर्व बैंक ने 27 मार्च को अनेक निर्देश जारी किए थे। विराम। रिजर्व बैंक ने सभी बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को 1 मार्च की स्थिति के अनुसार कर्जदारों पर बकाया राशि के भुगतान के लिए 3 महीने की ढील देने की छूट प्रदान की थी। विराम। पैरा। रिजर्व बैंक ने कहा था कि ऐसे ऋण की वापसी के कार्यक्रम को इस अवधि के बाद 3 महीने आगे बढ़ाया जाएगा। विराम। लेकिन ऋण अदायगी से छूट की अवधि में बकाया राशि पर ब्याज यथावत लगता रहेगा। विराम। यह याचिका आगरा निवासी गजेंद्र शर्मा ने दायर की है और इसमें रिजर्व बैंक की 27 मार्च की अधिसूचना के उस
हिस्से को असंवैधानिक घोषित करने का अनुरोध किया गया था, जिसमें ऋण स्थगन की अवधि के दौरान कर्ज की राशि पर ब्याज वसूली का प्रावधान है। विराम पैरा याचिका के अनुसार इस प्रावधान से कर्जदार के रूप में याचिकाकर्ता के लिए परेशानी पैदा होती है और यह संविधान के अनुच्छेद 21 में प्रदत्त जीने के मौलिक अधिकार का अतिक्रमण करता है। विराम शीर्ष अदालत ने 30 अप्रैल को रिजर्व बैंक को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया था कि उसके सर्कुलर में कर्ज भुगतान के संबंध में 1 मार्च से 31 मई की अवधि के दौरान 3 महीने की ढील की व्यवस्था पर पूरी ईमानदारी से अमल किया जाए। विराम पैरा सरकार प्रवेश परीक्षा के जरिए अधीनस्थ अदालतों में अधिकारियों की भर्ती के लिए अखिल भारतीय न्यायिक सेवा गठित करने से जुड़े एक विधेयक को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में है। विराम अखिल भारतीय परीक्षा में सफल होने वालों को उच्च न्यायालय और राज्य सरकारों द्वारा नियुक्त किया जाएगा। विराम सरकार के सूत्रों ने बताया कि मसौदा केंद्रीय मंत्रिमंडल में भेजने से पहले प्रस्तावित अखिल भारतीय सेवा की विभिन्न विशेषताओं को उच्च न्यायपालिका के साथ साझा किया जाएगा। विराम पैरा भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा की तर्ज पर अखिल भारतीय न्यायिक सेवा के प्रावधान पर आज़ादी के तुरंत बाद विचार किया गया था। विराम अखिल भारतीय न्यायिक सेवा का प्रावधान 1976 में संविधान के अनुच्छेद 312 में 42वें संशोधन के माध्यम से शामिल किया गया था। विराम लेकिन इसके व्यापक पहलुओं पर निर्णय लेने के लिए एक विधेयक की आवश्यकता होगी। विराम पैरा प्रशिक्षण से दूर करेंगे भाषाई दिक्कत। निचली अदालतों में मामलों में दलीलें स्थानीय भाषाओं में दी जाती हैं। विराम इसलिए ऐसी आशंकाएं हैं कि उत्तर भारत का कोई व्यक्ति दक्षिणी राज्य में कैसे सुनवाई कर सकता है। विराम लेकिन सरकार का मानना है कि IAS और IPS अधिकारी भी भाषा अवरोध को पार करते हुए विभिन्न राज्यों में अपनी सेवाएं देते हैं। विराम कानून मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, गहन भाषा प्रशिक्षण से यह कठिनाई दूर करने में मदद मिल सकती है। विराम धन्यवाद।